प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को संबलपुर की एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 5,816 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जैना की अध्यक्षता में शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री 3 फरवरी को दोपहर 2 बजे दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से विशेष हेलीकॉप्टर से संबलपुर स्थित अस्थायी हेलीपैड पहुंचेंगे और बसंतपुर में बने IIM परिसर जाएंगे। यहां से IIM संबलपुर के स्थायी कैंपस का उद्घाटन करने के साथ 22 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद PM स्थानीय रेमेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान 2,045 करोड़ रुपए की 3 परिवर्तनकारी राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 143 पर 679 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 24 किलोमीटर विशिष्ट बीर मित्रपुर से ब्राह्मणी बाईपास से राजमुंडा तक 47 किलोमीटर लंबी सड़क और रिमुली से कोयडा राष्ट्रीय राजमार्ग को 4-लेन मार्ग को प्रधानमंत्री देश के उद्देश्य से लोकार्पित करेंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नवनिर्मित सोनपुर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के साथ बलांगीर सोनपुर रेल मार्ग में ट्रेन सेवा शुरू करने तथा खुर्दा रोड बलांगीर नए मार्ग पर ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 168 किलोमीटर लंबी संबलपुर तालचेर रेलवे लाइन समेत अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 28,978 करोड़ रुपए की 3 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही NHAI की 3 परियोजनाओं की सौगात भी राज्य को समर्पित करेंगे। कल उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री 68,000 करोड़ रुपया की प्रकल्प की लोकार्पण या कार्यारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 7 विभागों की शिक्षा, रेलवे, कोल डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, रोड ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और पोस्टल, ऐसे 7 विभागों की अनेक ऐतिहासिक प्रकल्पों की कल काम शुरू किया जाएगा, लोकार्पित किया जाएगा। उसके अलावा बजट के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने के लिए जिस प्रकार से प्रायोरिटी उन्होंने पूर्वोदय के लिए दिया है, पूर्व भारत को दिया है, मैं अत्यंत आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का। मेरे ख्याल से बजट के बाद पहला भाषण वो इस ऐतिहासिक संबलपुर शहर में मां समलेई के आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, उनके आशीर्वाद से इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। देश की कृषक, देश की युवा, देश की महिला और देश की गरीब लोग एकजुट है प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।